हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। ये माइक्रोवेव का पीसीबी है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें ये आईसी देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, फटी हुई है। इस आईसी को हम चेंज करेंगे, उसके बाद का आगे का प्रोसेस देखेंगे। क्या इसको हम खोल लेते हैं फटाफट, खोलने के बाद टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये माइक्रोवेव का पीसीबी है, इसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑन करके ही देखें कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम इसको सप्लाई भी देंगे और ऑन भी करेंगे। रिपीट होता है, सप्लाई कहाँ जाएगी? यहाँ पर आएगी सप्लाई, ये मेन है, इसमें याद रखिएगा। तो कितने सारे लगेंगे हमारी सी, ये वाला आईसी चेंज करेंगे, उसके बाद हम ऑन करेंगे, क्योंकि पीछे हमारा ऑन नहीं हो रहा है। बस जो डेड डेड है पीछे, ये देखिए काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्प्ले दिया है इसका। तो सबसे पहले जैक हम निकाल के इस पीसीबी को साइड में रख देते हैं और हम उसको ऑन कर लेते हैं। ये भी बटन लगे हैं इसके, देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो और इसके ये दो कैपेसिटर भी देखिए फूले हुए हैं, आप कैपेसिटर टेस्ट कीजिएगा, ये दोनों कैपेसिटर फूल गए हैं। ये देखिए ये दोनों कैपेसिटर भी चेंज होंगे, उसके बाद ही ये पीसीबी हमारा ऑन होगा और ये आईसी फूक गया है। तो सबसे पहले हम इसका आईसी निकालेंगे, आईसी निकालने के बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे क्या है। इसका दोस्तों हम आईसी निकाल लेते हैं, थोड़ा सोल्डरिंग करा हुआ है। ये देखिए हम काफ़ी आसानी से आईसी निकल जाएगा, जब तक दोस्तों आप हमारे वीडियो को आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये माइक्रोवेव का पीसीबी है जो हम रिपेयर कर रहे हैं, इसमें आईसी फटा हुआ है और ये देखिए आईसी इसका निकल गया है जो आपके सामने है। इसका जो नंबर है आईसी का वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप ध्यान रखना। और ये देखिए आईसी यहाँ से छेद करा हुआ, आईसी में देखिए शॉर्ट हो गया, ये इसकी जगह हम दूसरा आईसी लगाएंगे पीसीबी में। ये सेम नंबर का तो नहीं है, नंबर हम लास्ट में बताएंगे वीडियो का। और ये देखिए इसके कैपेसिटर भी फूले हुए हैं, ये देखिए दोनों कैपेसिटर फूले हुए हैं इसके। और इस कैपेसिटर की जो वैल्यू जो है वो 4.7 UF है, 450 वोल्ट। ये देखिए सेम है, इन दोनों कैपेसिटर को भी हम चेंज करेंगे, दोनों सेम नंबर के ही कैपेसिटर है ये। और इसकी रेजिस्टेंस भी ख़राब होगी, रेजिस्टेंस भी लगी होती वो भी ख़राब होती है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को भी निकाल लेते हैं, दोनों कैपेसिटर को निकालने के बाद चेंज करेंगे, उसके बाद हम पीसीबी में लगाएंगे और पीसीबी ऑन करके देखेंगे कि हमारा बोर्ड ऑन होता है नहीं होता है। ये बिल्कुल डेड है बोर्ड, ये देखिए वन कैपेसिटर निकल गया हमारा और दूसरा कैपेसिटर भी हम इसका निकाल देते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू मैंने आपको बता देता हूँ अभी, 4.7 UF है, 450 वोल्ट, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आईसी का नंबर मैंने नहीं बताया है, आईसी का नंबर वीडियो के लास्ट में मैंने बताया, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सेम नंबर है 450 वोल्ट, हम देख लेते हैं इसमें काम हमारे पास पड़े होंगे, हम वो लगा देते हैं कैपेसिटर दोस्तों। उसके बाद हम थोड़ा सोल्डरिंग साफ कर लेते हैं ढंग से, कैपेसिटर लगाएंगे फिर हम आईसी लगाएंगे। ये देखिए हम थोड़ा सोल्डरिंग साफ करेंगे ताकि आसानी से हमारी सोल्डरिंग हो जाए। पहले अब हम जो चेक करेंगे वो आईसी लगाएंगे, तो आईसी हम इसमें कैपेसिटर बाद में लगाएंगे, पहले हम आईसी लगाएंगे। तो आईसी हम इसमें ये लगाएंगे, इसका नंबर है 1225, ये आईसी लगाएंगे हम 1225 इसमें। उसके बाद देखेंगे हम क्या है, कैपेसिटर लगा के ऑन करके देखेंगे हमारा पीसीबी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम आईसी ही लगाएंगे, ठीक है, आगे का प्रोसेस हम बाद में चेक करेंगे। सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस कैपेसिटर लगा लेते हैं। अब ये दो कैपेसिटर हम लगाएंगे 450 वोल्ट वाले,
कुछ थोड़े बड़े हैं तो इसे आ नहीं रहे, लेकिन हम कोशिश कर डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें लगाने तो इसमें ही, और जैसे भी आए थोड़ा सा बड़ा ही कुछ। हम इसको ऑन करके एक बार देख लेते हैं किसी भी को प्यार इस तरह इसका। तो सबसे पहले इन दो पे हमारी सप्लाई आएगी इस पे और इस पे, तो हम एक दूसरे सप्लाई देख लेते हैं। हमारी इसमें एक रेजिस्टेंस भी खराब है, जिस रेजिस्टेंस ये वाली है, ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस भी इसमें खराब है, रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। एक रेजिस्टेंस भी इसकी खराब हो गई है। ये रेजिस्टेंस वाली फटी हुई आपको ध्यान से दिखाई देगा, इसकी रेजिस्टेंस भी हम लगाएंगे इसमें से, एक निकाल के रेजिस्टेंस हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद हम टेस्ट। इसकी रेजिस्टेंस ये रही, रेजिस्टेंस भी इसकी ख़राब है, ताकि पी सी पी हमारा और नहीं हो रहा फटी हुई है। हम रेजिस्टेंस भी इस पी सी पी में लगा देते हैं, उसके बाद हम पी सी पी ऑन करके देखेंगे कि हमारा बोर्ड ऑन होता है या नहीं हो रहा है। वैसे तो 100% श्योर है कि हम हो जाएगा। आईसी ख़राब था, कैपेसिटर ख़राब था, रेजिस्टेंस ख़राब था, क्योंकि इसकी सप्लाई प्रॉपर डेड हो गई थी, जो हम बिल्कुल बना रहे हैं सप्लाई को। और ये उम्मीद है कि हमारा पीसी भी बिल्कुल ऑन हो जाएगा। दोस्तों सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों ये माइक्रोवेव का पीसी भी है जो जिसको हमने रिपेयर किया है, जिसकी सप्लाई डेड थी और उसको हमने बनाया है। आईसी नंबर हमने आपको बता दिए, और जो पुराना आईसी नंबर है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप उसको ध्यान से देख लें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कुछ समझ में आए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सब लगा दिया है। पीसीबी को हम लास्ट बार ऑन करके देखेंगे कि ये देखिए हमारा पीसीबी ऑन हो गया। ये देखिए सारा प्रॉपर हमारा काम कर रहा है पीसीबी, ये ऑन अभी नहीं हो रहा है, ये भी ऑन, पीसीबी हमारा ऑन हो गया है। बटन हमारे काम नहीं करेंगे जब तक हम वो शॉर्ट पीछे से नहीं शॉर्ट करेंगे। हमें क्या क्या चेंज किए, दोनों कैपेसिटर आईसी और रेजिस्टेंस चेंज किए, और ये पीसीबी हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। दोस्तों इस पीसीबी को बोर्ड को हम फिट कर लेते हैं इस पीसीबी बॉक्स में, जो इसका पीसीबी है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें। इस पीसीबी में जो फॉल्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, और कैपेसिटर और आईसी और रेजिस्टेंस तीन चीज़ें हमने चेंज की हैं। उसका पुराना आईसी का नंबर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप नहीं तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि पुरानी आईसी नंबर क्या था, न्यू आईसी नंबर क्या था। न्यू आईसी नंबर मैंने आपको लगाते समय बता दिया था, और पुराना आईसी जो हमने निकाला है उसका नंबर भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आइए पीसीबी देखिए हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। दोस्तों ये एक बार हम वायर लगा के देख लेते हैं, क्योंकि शायद आपको डिस्प्ले दिखाई नहीं देगी क्योंकि लाइट में, क्योंकि ब्लैक कलर का इसका स्क्रीन का वो है। आपको दिखा देता हूँ मैंने पीसीबी में क्या क्या चेंज किया है। ये देखिए ये सामान पीसीबी, दोनों कैपेसिटर हमारे फूले हुए हैं आपके सामने। ये आईसी चेंज करिए, आईसी नंबर है इसका 1731 आईसी नंबर है, और ये रेजिस्टेंस चेंज किया हमने, इसमें सब चेंज किया। आईसी हमने इसमें लगाई है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आईसी जो लगाई है वो हमने, उसका नंबर है 1225 आईसी लगाई है हमने इसमें। दोस्तों ये पीसीबी